बक्सर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। पहले चरण की 20 सीटों पर बंपर वोट डाले गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसी के साथ जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें बीजापुर में जहां कम मत प्रतिशत देखने को मिला, तो वहीं बस्तर की बाकी सीटों में मत प्रतिशत सामान्य रहा। मोहला मानपुर और खैरागढ़ गंडई छुई खदान में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। इन सीटों में मतदान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कांग्रेस सरकार में दिग्गज मंत्री मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, मोहन मरकाम, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब यह तय है कि दोनों दलों के स्टार प्रचारक 70 सीटों में प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। डॉक्टर रमन सिंह हो या मंत्री कवासी लखमा, पीसीसी चीफ दीपक बैज हो या विक्रम उसैंडी और लता उसैंडी हो, सभी अब दूसरी सीटों में प्रचार के लिए जा सकेंगे। पहले चरण की वोटिंग के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकतर सीटों पर जीत का दावा किया। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 18 से 19 सीटों पर जीत की बात कही। छत्तीसगढ़ के मतदाता का आशीर्वाद मिलेगा और जिस प्रकार लोग मतदान के लिए सामने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में वोटिंग डाले जा रहे हैं, तो एक अभूतपूर्व उत्साह है। इस बार परिवर्तन की जबरदस्त लहर है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो प्राथमिक जो रुझान है उसमें परिवर्तन है, कांग्रेस को बदलना है और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है मोदी गारंटी, तो मोदी गारंटी जो है वो जो है बहुत जो है हमको पॉजिटिव वे में ले गई, सकारात्मक वे में ले गई। इससे लोगों के दिमाग में परिवर्तन आया कि मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, पूरे देश के साथ साथ विश्व में एक जो है एक विश्वास कायम किया। तो ये जो मोदी की गारंटी है, ये फैक्टर जो है ये सब दूर काम किया है, तय कर लिए बदलना है। बहुत हो गया आतंक, अत्याचार, झूठ, फरेब, ये सब खत्म करना है एक विकास की राह पे और शांति की राह पे। हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, ये सामने अभी आ रहा है। अब फेंकना है, थोड़ा ज्यादा फेंक लेते डॉक्टर साहब, उसकी खुद की सीट तो बच नहीं रही है। और पिछले समय 17 सीट हम लोग जीते थे 20 में से, इस समय उससे भी पार जाएंगे। बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं अभी तक के, और लोग मतलब मतदान के जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है। और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने की बात, एजुकेशन फ्री करने की बात और 6000 प्रति मानव बोरा के दर से तेंदुपत्ता, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से कहा सीट भाजपा आ जाए। पहले चरण में जीत और हार को लेकर भले सियासी दलों के जो भी दावे हों, लेकिन सियासी जानकारों की माने तो अधिकतर सीटों पर कांटे की टक्कर है। ऐसे में कुछ सीटों पर तीसरे दल या प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के समीकरणों को कितना प्रभावित करेंगे, जीत और हार इस पर भी निर्भर करेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।